हेलो गाइस, ये मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स से पहली वीडियो बन रही है और हम तैयारी कर रहे हैं घर रवानगी की। दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, सो हम पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, डब्बों में सामान डाल रहे हैं, बांध बांध के रख रहे हैं। अब दूसरे में जाएंगे, एक साल से ऊपर हो गए वहाँ पे, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद मैंने यही बोला कि आप चेंज करेंगे ना तो भाई अपने में जाना चाहिए, अपने घर में। बहुत हो गया किराए पे, है ना बेबी? सो दोस्तों, जॉब पर जा रहे हैं एंड नाइट में भी इसका कैमरा टेस्ट हो जाएगा। एक बार नाइट मोड भी लगा के देखता हूँ किस तरीके से होता है। सो ये नाइट में है भाई, देखो कितना वो क्लियर दिख रहा है नाइट में भी कंपैरिजन। एंड इसकी जूमिंग करता हूँ, ये 2x हो गया एंड ये 5x पे सेट कर देते हैं। बोलते हैं ना 5x तक होता है, जो भी है 5x हो गया। ना ना ना, मेरा बाबू आ गया नाइट में, अंधेरे में भी देखो कैसे काम कर रहा है ये। आईफोन 15 प्रो मैक्स है, सुबह बनाने में जाते वक्त ठंड ना बार ठीक ठाक है, सही से लगा ले, है ना? क्या ये पार्ट रहे, हम सैंडविच लेके आई है, पार्ट रहे क्या होते हैं, खा रहे हैं। और पीछे से हिमेश भाई शुरू हो रहा हमारे आटा गूंद रहा, तू ही बुरा तुझसे बुरा न कोई, बुरा ना कोई। मैडम ने बनाई बड़ी टेस्टी सी सब्जी एंड इसका बिग बॉस चल रहा है। कौन सी है बता, बता दो जल्दी से। दाल है और घिया, पता है मेरे को तो। सो दोस्तों, आज हमारी है ना एंगेजमेंट भी है, तो एंगेजमेंट आजकल किसको याद रहती है, नहीं रहती, किसी को होती है किसी को नहीं होती। तो हमें थोड़ी बहुत, मैंने इसको कल बोला था हमारी एंगेजमेंट हुई, कह रही कल है मेरा आपको याद था वैसे डेट याद है, लेकिन वैसे तो याद नहीं था ना। देख भाई सही बता, सो अब ये बोल रही है एक छोटा सा केक कट करते हैं। ये देखो भाई जल गई और लेके आई हूँ केक बना। ओए ध्यान से मेरे को पता है ना ऐसे ही होता है, वो हमने मिस्टर बिन बहुत बार देखा है। चलो भाई खा लो, कुछ भी करते रहते हम, कुछ भी, ये कुछ भी तो मैं नहीं करता, कुछ भी ये करती है। बताओ क्या बता रहे थे अभी मेरे को, कह रही हमारे एक नया डोनेट आ रहा है उसके अंदर है ना ऐसे इंजेक्शन से डलेगा चॉकलेट, तो मैं बोला एकदम से फूटेगा, फील करेंगे इससे अंदर चॉकलेट जाएगा। तो मेरे को पता क्या करी, फूटे फूटेगा नहीं ऐसे खाएंगे अकचुप। ये जोकर है ना, बिस्किट वाला वो दे दिया साउंड, बिस्किट होती है ना कड़क, अकचर नहीं आता उसमें, कचर आता है, कचर ऐसे कचर। ये बिस्किट तो नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। ये कौन सा साउंड है भाई, ये किस में आता है? ये तो बकासुर का भाई लग रहा है, अकचू बावली है बावली। सो गुड मॉर्निंग एवरी गाइज, ये देखो सुबह सुबह रेडी हो रही है निकलने को तैयार एंड हम ऐसे हैं। और आप सोच रहे हो यार मैं नौकरी क्यों नहीं जा रहा है ना, वैसे तो आपको क्या ही पता लग रहा कौन सा दिन है, ठीक है ना? तो भाई मेरी शिफ्ट हो गई है चेंज, मेरे को 2 वीक के लिए, तो 3 को रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, तो
इवनिंग शिफ्ट कर दी 3:30 से, रात के 12 बजे आऊँगा 2 वीक के लिए। हम दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे, जाने कहाँ होंगे। मतलब यहाँ तो ये सो रखी होगी जब मैं आऊँगा, और जब ये जाएगी तो मैं सो रखाऊँगा, तो ये वाला सीन हो जाता दिन। यानी दोनों की जॉब एक ही टाइम पे होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के, या तो दोनों के दिन के दोनों के सुबह के। पर हमारा सही है, 2 वीक के है, कोई नहीं वापस सही हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें चेंज भी करना है, पैकिंग वगैरह हमारी चली रही है, सो नया घर भी दिखाएंगे, बने रहना, है ना बेबी। सो भाई चाय वगैरह रेडी हो गई है, हमने बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने हमने नहीं और नहीं मैंने इसको देखो कितने सुंदर लग रही है, कितनी इतरा रही है, इतरा कितने रहे हो इसके नखरे देखो, ज्यादा सुंदर लग रही है तो नखरे देखो इसको। रिशु हमारा फोन तो देख ले, रिशु फोन तो देख ले। चलो बाय बेबी, लव यू टू, मिस यू टू। रात को आऊंगा पप्पी, बहुत सारी पप्पी कर दी, तुझे नहीं लेके जाऊंगा, मैं खुद भी सो जाऊंगा। मैं चोरी से चोरी चुप रहना, चाबी है मेरे पास। चलो ठीक है, बाय। ओके पलट ले, लव यू एमी चो मेरी पिच्ची, मिस्सी तू। खाना खा के ओके टाइम से निकल जाना, ठीक है? पहले नहा के फिर खाऊंगा, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है बाय। भाई वो इसमें देखते भी जाना, उसमें पोस्ट लेटर में क्या है वो यार, मेल मेल बॉक्स में। सो दोस्तों सोचा था कि 2 बजे निकल जाऊंगा, 2:15 हो गए, पहला दिन है अभी, पता नहीं किस टाइम निकलना कब नहीं निकलना, तो पहुंचता हूँ जल्दी जल्दी भाग के। एंड मैडम तो पहले जा चुकी है, अब मैं रात को लेट पहुंचूंगा 1:30 बजे के आसपास, तो मैं इसको लेटर छोड़ के जा रहा हूँ, मिस यू मतलब। सो पहली बार हो रहा है ऐसा, सो क्योंकि हमारी शिफ्ट अलग अलग हो गई है 2 वीक के लिए बस, तो मिलते हैं, लेट हो रहे हैं, कैसा रिएक्शन होगा इसका आगे बताइए। सो भाई ठंड है बाहर, लग रहा है था कि धूप आ रही है, बढ़िया होगा, लेकिन ठंडा। और 3 मिनट में बस आ रही है, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं, 2:24 पे दिखा रहा है मौसम। धूप तो है लेकिन वही है, 1°, 0° के आसपास, -2 है शायद फील। सो भाई नाइट में घर जा रहा हूँ, रात के 1 बज गए, घर पहुँचने वाला हूँ, इवनिंग शिफ्ट थी मेरी पहली आज, तो वाइफ सो चुकी होगी, अब जाऊँगा खाना खा के मैं भी सो जाऊँगा। देखो भाई स्काई देखो, बिल्कुल क्लियर है, ये देखो फ्रंट कैमरा इतना क्लियर नहीं होता ना, बैक कैमरे से देखो स्काई बिल्कुल क्लियर है, ये बादल है रात को बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, कितना क्लियर है, तारा देखो सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है, नाइट व्यू देख लो भाई, वो स्टार। अब देखो अब मैं भी साथ देखूंगा, है ना बढ़िया। रात को आऊंगा मैं, खाना खाऊंगा मैं, फिर सो जाऊंगा मैं, ठीक है? चोरी से आवाज़ छुपी से आवाज़ मुझको पता ना चले, ठीक है तुम सोते ही रहना। भाई मैं रात को आता हूँ, रात के बजे रहते हैं 1 के आसपास, सो ये सो रही होती है, सोया कल सोया सोया ही, क्योंकि आपको कॉलेज था ना, आपने कहा नेल्सन में मेरे को ओ तो आने वाले हो, वहां पे बस आई नहीं इतनी देर, बस नींद सी होने लगी, पहले तो मैं मारखम पे उतर गया था, फिर मेरे को वहां पे दिखा रहा कि बस बहुत लेट आई और कोई भी नहीं था, सुनसान था, मैं तो अड़ती साई में चढ़ गया उसमें, डर लग गया मेरे को वहां पर, मारखम पे आसपास है यहां, चल मेरे को नेल्सन पे कोई था, नेल्सन पे कोई नहीं था, लेकिन यहां से घर पास है ना, वॉकिंग भी आ जाऊंगा, बस नहीं आई तो इतना टाइम निकाल दो वॉकिंग आ जाते, इसलिए ही यहाँ पे उतर रहा था फिर मैं, कि चल यहाँ से वॉकिंग आ जाऊंगा, बस बस का सीन नहीं रहा तो। ठीक है बेबी बाय, लव यू टू, खाना खा लेना, रख भी लेना समझी, ठीक है ठीक है, मिसी तू बाय, बहुत बढ़िया, बंद कर लो जैकेट आगे से, हाय बड़े।
तो दोस्तों निकल गए और अभी आजकल मेरे को वीडियो बनाने का टाइम इसलिए नहीं मिल रहा, मेरा शेड्यूल चेंज किया है और नेक्स्ट से वापस रेगुलर हो जाएगा, तो बैक टू बैक काम हो रहा है और फिर ऊपर से ओवर टाइम भी मिलेगा मेरे को स्वीट में। सो अभी थोड़ी सी स्नो पड़ी थी, ये देखो जरा जरा सी दिख रही होगी, थोड़ी सी स्नो गिरी है, मतलब अब स्नो आ जाएगी थोड़े टाइम में। देखो स्नो दिख रही है किनारे किनारे पे, हो सकता है नेक्स्ट वीक से स्नो पड़ना शुरू हो जाए। सो जाते हैं भाई, वैसे दिन में थोड़ा रेस्ट ज़्यादा मिल जाता मेरे को, थोड़ा नहीं पूरा ही मिल जाता है, सुबह वाले में निकल पाता, सुबह जल्दी उठो भागो, आराम से उठ के गाने वाने सुन के रेडी होके खाना वाना खा के आराम से निकलता हूँ, घर वाला हिसाब हो गया ना, जैसे घर से घर पर निकलता था ऐसे ही 2 बजे 3 बजे रात को लेट रहता था। हाँ चलो भाई, वो अपना काम था, अपना तो अपना ही होता, उसमें तो मज़े ही थे, इनके सारा टाइम के हिसाब से भागो, मौसम बढ़िया हो गया एंड सब कुछ बढ़िया है, मिलते हैं आपसे, अपडेट देते हैं आपको। भाई ये होता है नाइट के अंदर, अभी जो मेन रोड है ना ये वाला है, तो इसमें तो हर 10 मिनट में आ रही है, लेकिन मेरा अंदर की तरफ पड़ जाता है तो इसमें हर 22 मिनट में आती है, तो मेरे को यहाँ पे पूरा 20 मिनट ही वेट करना पड़ता है, मतलब मेरे से 2-3-4-5 मिनट पहले निकलती है। सो सुनसान रहता है तो नाइट में, ये है कि इस साइड पे लोग कम रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा आपको होमलेस पीपल इस तरफ है ही नहीं, ना के बराबर, एक आधा कोई आ गया कभी कभार तो आ गया, डाउनटाउन एरिया में बहुत मिलते हैं, तो वहाँ तो आप ऐसे रात में खड़े होने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि नशे में रहते हैं, उनको चाहिए पैसा ताकि वो नशा कर सकें, ब्लेड चक्कू ये सब चीज़ें जैसे हमारे वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सेफ है जिस साइड पे मैं रहता हूँ, क्योंकि इस तरफ सिर्फ रिहाइश है, लिमिटेड घर हैं, तो इस चक्कर में कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं है, कोई मतलब एक तरीके से फन हब नहीं है इस साइड पे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, छोटे छोटे घर हैं आगे, सो इसलिए एक मेन बस यही है, टावर एक आगे होगा, बाकी नॉर्मल जो कनाडा जिसके लिए हाउस हट वो है, हॉस्पिटल है इधर। सो मैं चिल ऐसे खड़ा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, कल तो पैदल गया था मैं, फिर पता लगा कि 10 मिनट ही बचा पाया, पैदल भी गया 2.5 किलोमीटर फिर पहुँच गया, अगर बस से आता तो 10 मिनट बाद पहुँचता, तो मैं सोचा क्यों ना वेट ही कर लूँ, भाई कट रही थी, अब पकड़ने की आदत नहीं है ना, ऐसे पकड़ना चाहिए, अब मेरे को इसमें देखा सामने शीशे में ठंड माइनस हो रही है, आ गया कोई बंदा, चलते हैं। सो बंदा अभी बस पकड़ने आया था, जैसे कि मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे ऐसे हाउसेस हैं, अब यहाँ पे होमलेस रहेगा तो वो खाएगा क्या, भीख मतलब किसी से कुछ मांगेगा क्या, भीख तो बोल नहीं सकते यहाँ पे, बाकी बोलते हैं यहाँ पे भीख ही नहीं देते, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखा देते हुए, एंड और क्या बोलते हैं, मतलब इसके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे अगर यहाँ पर होमलेस आएगा ना, चोरी चकारी करने के लिए लोग कम होंगे, क्या ही करेगा, सो वो सारी चीज़ें उधर डाउनटाउन एरिया में ज़्यादा होती हैं, उनको वहाँ पे नशे की चीज़ें भी मिल जाती है, उनको बंदोबस्त हो जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने इनको अलॉट कर रखे हैं घर, उनमें उनकी आदत पड़ जाती है जिनकी नशे करने की, सो भाई उनको मतलब नहीं घर क्या होता है, रहना क्या होता है, हमेशा नशे में डूबे रहना बस, समझ गए, एंड जा क्राइम हो जाएगा तो क्या होगा, पुलिस थाने में ले जाएगी, 6 महीने के लिए जाएंगे, 6 महीने का फ्री तो खाएंगे पियेंगे, वहाँ पे रहने को मिल जाएगा, है ना, खाना पीना भी नहीं बनाना पड़ेगा, सो ये चीज़ें होती हैं, या तो रूल चेंज करो तो ये चीज़ें खत्म हो। सो भाई घर पहुँच रहे हैं, हाथ फ्रीज हो जाते हैं, सो रख देता हूँ अभी मैं, 1 बज गया रात का, और भाई इसका नाइट का टेस्टिंग भी अच्छी हो रही है, देखो चांद ऊपर बढ़िया चल रहा नाइट में, है ना, क्लियर दिख रहा सब कुछ, बल्कि इस स्क्रीन में मेरे को ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, वैसे अंधेरा लग रहा, क्या डालते हैं ऐसा इसमें कैमरे में, इसको देखो फुल मजे में, मौज ही मौज है, तेरा 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 शुरू।
अरे हमको चाहने वाले बहुत है, गिफ्ट दे दी किसी ने, दिखा नाइकी की है। हाँ हाँ दी है मेरे को। किसने दी? बॉस ने दिया। बॉस ने? दोस्त ने। ठीक है ना,